तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन के बारे में बात की थी। आज के इस वीडियो में हम लोग कॉन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो ये कॉन्वेक्स मिरर जो है, इसकी जो इमेज फॉर्मेशन है, इसके इमेज फॉर्मेशन के लिए आपको तीन रूल्स याद रखने बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें से पहला रूल क्या है, देखिए। तो ये देखिए, ये कॉन्वेक्स मिरर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस साइड पर, इसका ये फोकस पॉइंट, ये पोल, ये सेंटर है, ठीक है? अब दोस्तों ये रूल क्या है, देखिए। तो रूल ऐसा है कि कोई इंसिडेंट रे अगर पैरेलल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल इंसिडेंट रे है, ठीक है, तो वो रे रिफ्लेक्ट करेगा यहाँ से। तो रिफ्लेक्ट इस तरीके से करेगा कि वो फोकस से पास होगा एक्सटेंड करने पर, मतलब वो यहाँ पर देखिए फोकस से आता हुआ दिखेगा। ओके, इंसिडेंट पैरेलल रे, मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रे अगर इंसिडेंट है आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट करने वाला है ना, ठीक है? तो रिफ्लेक्ट करने के बाद इफ़ इट इज़ एक्सटेंडेड, तो ये रिफ्लेक्टेड रे अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो ये फोकस से पास होगा। ओके, तो रे डायग्राम्स निकालने के लिए ये रूल्स किसके लिए हैं, रे डायग्राम्स निकालने के लिए। आप यहाँ पर बोल सकते हो रूल्स टू ड्रॉ रे डायग्राम्स। तो रे डायग्राम्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये रूल सीख रहे हैं। पहला रूल क्या है, अगर रे पैरेलल है, इंसिडेंट रे पैरेलल है, तो इस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, कि वो फोकस से आता हुआ दिखेगा। ओके, दूसरा रूल क्या है, देखिए यहाँ पर ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर का ये पोल है, ये फोकस पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट। अब दूसरा रूल क्या है कि अगर कोई इंसिडेंट रे ऐसा है कि वो फोकस से पास होगा एक्सटेंड होने पर, मतलब देखिए, इफ़ इंसिडेंट रे इज़ एक्सटेंडेड एंड इफ़ इट पासिस थ्रू फोकस, मतलब ये अगर इंसिडेंट रे ऐसा है कि वो फोकस से पास करेगा, ऐसा है इंसिडेंट रे, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट कैसे करेगा, देखिए, देन इट इज़ रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो इस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा कि वो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो पैरेलल रे देखिए यहाँ पर, पैरेलल रे ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा फोकस से पास होता हुआ, ठीक है, और फोकस से पास होता हुआ जो रे है वो पैरेलल रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये दूसरा रूल है। अब तीसरा रूल क्या है, देखिए, रूल नंबर 3, इफ़ इंसिडेंट रे इज़ एक्सटेंडेड एंड इफ़ इट पासिस थ्रू द सेंटर, मतलब ये इंसिडेंट रे है ऐसे, और इसको एक्सटेंड करने पर अगर वो सेंटर से पास होता है ऐसे, देन द रिफ्लेक्टेड रे ट्रेसेस द सेम पाथ बैक, मतलब ये इंसिडेंट रे है तो रिफ्लेक्टेड रे वैसे ही आएगा ऐसे, ठीक है, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, अगर इंसिडेंट रे एक्सटेंड करने पर सेंटर से पास होता है तो रिफ्लेक्टेड रे वैसे ही आएगा, अगर इंसिडेंट रे एक्सटेंड करने पर फोकस से पास होता है तो ये पैरेलल आएगा, और पैरेलल रे ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा कि वो फोकस से आएगा, ठीक है। तो ये तीन रूल्स आपको याद रखने हैं। अब दोस्तों इमेज फॉर्मेशन के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये कॉन्वेक्स मिरर है। अब ये कॉन्वेक्स मिरर के इस साइड में ऑब्जेक्ट रखेंगे ना हम, क्योंकि इधर का जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ऑब्जेक्ट इधर रखेंगे हम, और दोस्तों हम लोग यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमने यहाँ पर एक कॉन्वेक्स मिरर बनाया हुआ है, और इस कॉन्वेक्स मिरर का ये पोल है, ये फोकस पॉइंट है, और ये सेंटर पॉइंट है। अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट हम लोग बनाते हैं, देखिए। तो देखिए दोस्तों, सपोज ये ऑब्जेक्ट है ए बी, ये वाला ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट की हम लोग क्या करेंगे, इमेज फॉर्मेशन करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो बी पॉइंट तो इस लाइन के ऊपर ही होगा ना, तो ए पॉइंट का हम लोग क्या करेंगे, इमेज फॉर्मेशन करेंगे। तो ए पॉइंट का इमेज फॉर्मेशन करने के लिए सबसे पहले तो एक रे हम लोग बनाएंगे यहाँ पर पैरेलल, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे पैरेलल हुआ। अब पैरेलल इंसिडेंट रे क्या होता है, पैरेलल इंसिडेंट रे इस तरीके से रिफ्लेक्ट करता है यहाँ से कि वो हमें फोकस से आता हुआ दिखेगा, ऐसे ऐसे फोकस से आता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो ये पैरेलल इंसिडेंट रे, ये पैरेलल इंसिडेंट रे ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा, रूल नंबर 1, ठीक है। अब रूल नंबर 2 क्या है, रूल नंबर 2 में देखिए यहाँ पर, रूल नंबर 2 जो है, रूल नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे, ये दूसरा रे जो है हम लोग एज्यूम करेंगे कि ये फोकस ऐसे इंसिडेंट हो रहा है यहाँ पर, देखिए ऐसे यहाँ पर इंसिडेंट हो रहा है, एक्सटेंड करने पर ये क्या कर रहा है यहाँ पर, देखिए फोकस में से पास हो रहा है, एक्सटेंड करने पर फोकस से पास हो रहा है। तो दूसरा रे हमने ऐसे निकाला कि एक्सटेंड करने पर वो फोकस से पास हो रहा है, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट कैसे करेगा, रिफ्लेक्ट ये पैरेलल करेगा ना, ऐसे ऐसे पैरेलल रिफ्लेक्ट करेगा ये, ठीक है। ये इंसिडेंट रे ऐसे रिफ्लेक्ट किया, ये इंसिडेंट रे ऐसे रिफ्लेक्ट किया। अब दोस्तों ये एक रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये भी एक रिफ्लेक्टेड रे है। अब दोस्तों रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे ए पॉइंट की इमेज मिलेगी हमें। अब ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे इस साइड में, तो यहाँ पर देखिए इस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में तो ये नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक में एक एक दूसरे से क्या कर रहे हैं यहाँ पर, दूर जा रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो ये एक्चुअली यहाँ पर मीट नहीं करेंगे। तो
तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इनको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, ये रे को हमने एक्सटेंड किया और ये जो दूसरा रे है हमने इसको एक्सटेंड किया, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं मिल रहे हैं तो हम इसको एक्सटेंड करेंगे। तो क्या एक्सटेंड करने पर ये मिल रहे हैं? हाँ, एक्सटेंड करने पर ये यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो ए पॉइंट है इसकी इमेज आपको यहाँ पर मिलेगी मिरर के अंदर, और क्योंकि ए पॉइंट की इमेज यहाँ पर है तो बी पॉइंट की इमेज उसके नीचे होगी, तो ये बी पॉइंट की इमेज हुई। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज आपको यहाँ पर मिलेगी मिरर के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों ये कॉन्वेक्स मिरर है ना, ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा? पोल के लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट आप कहाँ पर भी रखिए दोस्तों, कहाँ पर भी रखिए, ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखिए, यहाँ पर रखिए, कितनी भी दूर रखिए, इमेज हमेशा पोल के राइट साइड में ही वहाँ पर क्या होगी? प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर केस में इमेज के बारे में क्या लिखोगे दोस्तों? इमेज इज पोल के लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में है? राइट साइड में है, तो आप क्या बोलोगे? इमेज इज टू द राइट ऑफ पोल। तो ये पहला पॉइंट आपको याद हो चुका है। अब दूसरा पॉइंट, इमेज छोटी है या बड़ी है? छोटी है, तो इमेज क्या होगी यहाँ पर? डिमिनिश्ड, ठीक है, डिमिनिश्ड, छोटी हो रही है इमेज, ठीक है। अब ये रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है? क्या रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट कर रही है यहाँ पर? नहीं, हमने उसको एक्सटेंड किया हुआ है मीट होने के लिए, तो ये रियल इमेज नहीं है, ये वर्चुअल इमेज है, ठीक है। हम यहाँ पर पर्दा लगा के पर्दे के ऊपर ये इमेज नहीं देख सकते, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है, वो क्या है कि जो इमेज है वो सीधी है या उल्टी है? देखिए इमेज सीधी में, ऑब्जेक्ट ऐसा है, इमेज भी वैसे ही मिल रही है, तो ऑब्जेक्ट इमेज सीधा है ना, सीधा मतलब क्या है? इमेज इरेक्ट है, ओके। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, इरेक्ट का मतलब क्या? सीधा इमेज, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट दोस्तों यहाँ पर है, पोल के लेफ्ट हैंड साइड में ऑब्जेक्ट रखेंगे ना हम हमेशा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर है तो इमेज आपको वर्चुअल मिलेगी, इरेक्ट मिलेगी, डिमिनिश्ड मिलेगी और टू द राइट ऑफ पोल मिलेगी। अब दोस्तों ऑब्जेक्ट आप थोड़ा सा इधर मूव करते हो, इधर मूव करते हो या इधर मूव करते हो, तो कंडीशन इमेज की यही रहने वाली है, ठीक है। हम उसको यहाँ पर पढ़ेंगे, देखिए हम थोड़ा सा क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को इधर मूव करेंगे, हम देखेंगे इमेज कहाँ पर मिल रही है। आपको ऐसी ही इमेज मिलेगी, हमेशा पोल और फोकस के बीच में ही मिलेगी, हमेशा डिमिनिश्ड मिलेगी, हमेशा वर्चुअल मिलेगी, हमेशा इरेक्ट मिलेगी, ओके। एक बार देखते हैं हम लोग। तो ऑब्जेक्ट अब दोस्तों पोल के पास था ना, हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर देखिए दूर बनाएंगे ऑब्जेक्ट, मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है, थोड़ा सा हमने दूर बनाया हुआ है, ओके। अब इसकी इमेज कहाँ पर मिलेगी उसको हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट है ए, ये बी है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रे डायग्राम्स निकालेंगे। रे डायग्राम्स निकालने के लिए सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम लोग पैरेलल रे निकालेंगे, ये पैरेलल रे है, ठीक है, ओके। तो पैरेलल रे क्या होता है? फोकस से ऐसे इस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा कि वो फोकस से आता हुआ दिखेगा आपको, ठीक है। ये रिफ्लेक्ट ऐसे करेगा, मतलब वो अगर एक्सटेंड करते हो तो एक्सटेंशन लाइन जो है वो फोकस से पास करेगी, ठीक है, ओके। अब दूसरा रे क्या करेंगे, करेंगे हम लोग यहाँ पर देखिए जो दूसरा रे है वो हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से ड्रॉ करेंगे दूसरा रे, ताकि वो एक्सटेंड करने पर आपको फोकस से जाता हुआ दिखे। तो ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्ट कैसे करेगा? रूल नंबर टू, ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा कि यहाँ पर देखिए आपको ये ऐसे दिखेगा, ऐसे आता हुआ दिखेगा। तो ये एक रिफ्लेक्टेड रे है, ये दूसरा रिफ्लेक्टेड रे है, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे इस साइड में तो मीट नहीं होंगे, तो इनको एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऑलरेडी एक्सटेंड किया हुआ है, इसको हम लोग यहाँ पर एक्सटेंड करेंगे। तो ये हमने यहाँ पर एक्सटेंड किया, एक्सटेंड करने पर ये यहाँ पर मिल रहे हैं, तो ये ए पॉइंट की इमेज आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है, और बी पॉइंट की इमेज जो है उसके नीचे मिलेगी आपको यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर वापस से आपको इमेज जो है वो क्या हो रही है, टू द राइट ऑफ पोल मिल रही है, डिमिनिश्ड है, छोटी इमेज है, वर्चुअल है और इरेक्ट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर भी हो कॉन्वेक्स मिरर में, इमेज आपको हमेशा ऐसी मिलेगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों ये तो हमने इमेज फॉर्मेशन रे डायग्राम्स का यूज़ करके हमने यहाँ पर ड्रॉ किया, इसको इमेज कहाँ पर बन रही है वो फाइंड आउट किया, ठीक है। अब दोस्तों इसकी एक मैथमेटिकल मेथड भी है, इमेज को जो है ना, इमेज कोई भी स्फेरिकल मिरर हो, चाहे वो कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, आप इमेज की हाइट या इमेज का डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये सारी चीज़ें जो है ना रिलेटेड हैं मैथमेटिकल मेथड में, ठीक है। तो मैथमेटिकल मेथड का यूज़ करके आप इमेज की हाइट निकाल सकते हो, इमेज कैसी है ये पता कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल मेथड जो है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।